सर एक क्वेश्चन था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, वो मुझे समझ में नहीं आया। ओ ट्रांसपोज का क्वेश्चन, देखो इसमें सिंपल सर दो वैल्यू ले दो, एक ए और एक बी, और आई और जे का दो रूप चला दो, ठीक है, और उसमें जाके एक कंडीशन लगा दो कि ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू बी ऑफ जे आई, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओ बस एक कंडीशन ही मारनी थी यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे पहले क्यों नहीं आया। A few moments later. यार ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन तो सर ने बता दिया था, अब ये सम ऑफ डायगोनल कैसे होगा? Have you also faced this problem? कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रॉब्लम करने बैठे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करें या इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? Then this video is for you. So guys, इस वीडियो को पूरा देखिएगा and I assure you at the end of this video you will be able to figure out the solution or the approach to solve a particular problem. In this video, I'll discuss 5 to 6 steps जो मैंने अपने करियर में यूज किए हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड टू एक्सप्लेन दीज स्टेप्स आई टेक अ प्रॉब्लम एज अ रेफरेंस, एंड बिकॉज आई एम अ सीएस गाय सो आई टेक अ कोडिंग प्रॉब्लम एज अ रेफरेंस एंड आई ऑल्सो टेक अ बेसिक प्रॉब्लम सो दैट किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। एंड फॉर दिस वीडियो आई टेक अ प्रॉब्लम फॉर मैट्रिक्स, मीन्स कि आप किसी भी मैट्रिक्स के डायगनल का सम कैसे निकाल सकते हो, हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ अ डायगनल ऑफ अ मैट्रिक्स। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, बट जस्ट बिकॉज आई हैव टू कवर एवरीवन सो आई डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द की टर्म्स इन द प्रॉब्लम। सो गाइस नो मैटर आप किस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, बट अगर आपको उस प्रॉब्लम में प्रेजेंट टर्म्स का पता नहीं है सो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप उस प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाओगे। लाइक जो प्रॉब्लम हमने ली है, अगर हम उसी की बात करें, दैट इज फाइंडिंग द सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उस क्वेश्चन में अगर आपको डायगोनल का ही नहीं पता है, अगर आपको मैट्रिक्स का ही नहीं पता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंट की टर्म्स का पता आपको होना चाहिए, एंड अगर आपको नहीं पता है सो बिफोर गेटिंग इन टू द सोल्यूशन आप उस प्रॉब्लम को समझो, दैट मीन्स आप उसमें प्रेजेंट टर्म्स को समझो। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम इट्स टाइम टू गेट इन टू द सेकंड स्टेप एंड दैट इज विजुअलाइज द प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेना है एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको पिक्चराइज करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं एंड आप उन रिसोर्सेस को कैसे यूज कर सकते हो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम हमने ली है मैट्रिक्स की, उसमें आप देखोगे कि कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को पिक्चराइज किया है, दैट इज इस मैट्रिक्स में कैसे मैंने एलिमेंट्स के लोकेशन को उसकी इंडेक्स की हेल्प से प्रेजेंट किया है, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इस मैट्रिक्स में डायगनल्स कहाँ पर हैं, हमें किनका सम निकालना है एंड उन डायगनल्स को हमने कैसे इंडेक्स की हेल्प से लोकेट किया है। सो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को पिक्चराइज करो, देखो कि उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है एंड आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज फिगर आउट द कॉमन पैटर्न। गाइस अब जब आपने अपनी प्रॉब्लम को पिक्चराइज कर लिया है देन आप नोटिस करोगे कि उस प्रॉब्लम में कोई ना कोई ऐसा कॉमन प्रोसेस होगा, कोई ना कोई एक कॉमन टास्क होगा जो रिपीटेडली हो रहा होगा, जिससे आप एक पैटर्न फॉर्म कर सकते हो। एंड अगर हम अपनी प्रॉब्लम की बात करें, लाइक हमें जिस मैट्रिक्स में डायगनल्स का सम निकालना है, तो अगर हम लेफ्ट डायगनल की बात करें तो आप देखोगे लेफ्ट डायगनल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर हम उनके इंडेक्स को नोटिस करें, उनकी लोकेशन को नोटिस करें, तो हम देखेंगे कि 0.0, 1.1 और 2.2, मतलब कि उनके लोकेशन का उनके इंडेक्स का जो नंबर है वो इक्वल है, मतलब कि आई इक्वल टू जे, मतलब कि 0.0 बराबर है, 1.1 के बराबर है और 2.2 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम उसका राइट डायगनल को नोटिस करें तो हम देखेंगे कि उसमें 0.2, 1.1 और 2.1, मतलब कि अगर हम आई और जे को ऐड करें तो कहीं ना कहीं उनका जो सम होगा वो मैट्रिक्स के साइज से एक कम होगा, मतलब कि अगर हम 0.2 करें तो वो इक्वल हो रहा है 3-1, दैट इज 2। अगर हम 2.0 को सम करें तो उसका सम आएगा 2 और वो भी इक्वल है 2 के, दैट इज साइज ऑफ मैट्रिक्स -1। सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फिगर आउट द कॉमन पैटर्न इन योर प्रॉब्लम, जिससे आप एक लॉजिक फ्रेम कर सकते हो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्रेम द लॉजिक फ्रॉम द पैटर्न। नाउ अब जब आपने अपने प्रॉब्लम्स में एक कॉमन पैटर्न नोटिस कर लिया है, अब आप इजिली उस पैटर्न से एक लॉजिक फ्रेम कर सकते हो। मतलब कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम की बात करें तो आप देखोगे हमने उसमें फिगर आउट किया था कि जो लेफ्ट डायगनल है उसकी हर एक एलिमेंट हर एक लोकेशन का जो इंडेक्स है, दैट इज उसकी जो पोजीशन है आई और जे, वो इक्वल है। तो इससे हम एक लॉजिक फ्रेम कर सकते हैं कि आई विल बी इक्वल टू जे। और अगर हम राइट डायगनल की बात करें तो उसमें हमने जो पैटर्न फ्रेम किया था उससे हमें एक लॉजिक मिलता है, दैट इज आई प्लस जे इज इक्वल टू एन माइनस वन,
मतलब कि उसकी जो लोकेशन का सम होगा वो मैट्रिक्स की साइज से एक कम होगा। अब हमें मैट्रिक्स का सम निकालना है, दैट मीन्स हम सिंपली उसके एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, बट अगर हम हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे तो जो भी हमारा सोल्यूशन है वो फिगर आउट नहीं होगा। मतलब कि हमें कहीं ना कहीं एक चक लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एंड दिस लॉजिक विल एक्ट एज अ कंडीशन। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्टेप, दैट इज इम्प्लीमेंट दैट लॉजिक इन टू योर सोल्यूशन। अब गाइस, जब आपने उस लॉजिक को फिगर आउट कर लिया है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सो अब आप उस लॉजिक को उस सोल्यूशन में इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम बात करें अपने प्रॉब्लम की, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले दो लूप चलाए हैं जिससे हम उस एरे के एलिमेंट को इंटर करवा सकते हैं, और साथ ही में मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, दैट इज लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल। अब मैं क्या करूंगा, फिर से दो लूप चलाऊंगा, दैट इज एक आई और एक जे के साथ। उस लूप के अंदर मैं दो कंडीशन लगाऊंगा जो मैंने लास्ट स्टेप में निकाली थी, दैट इज फॉर लेफ्ट डायगनल एंड फॉर राइट डायगनल। उस कंडीशन के अंदर मैं एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालूंगा और उनको पर्टिकुलरली लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल में स्टोर करवा लूंगा। अब इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द लूप हमने जो दो वेरिएबल लिए हैं, दैट इज लेफ्ट डायगनल सम और राइट डायगनल सम, उनमें प्रॉपरली लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो सिमिलरली आप भी आपने जो आपने लॉजिक फ्रेम किया है उसको अपने सॉल्यूशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आप देखोगे कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट हो गया है। नाउ द सिक्स्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज टेस्ट और रिव्यू योर सॉल्यूशन। अब गाइस, जब आपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सैंपल प्रॉब्लम लो, दैट इज एक सैंपल इनपुट लो, और अपने जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है या उसका सॉल्यूशन निकाला है उसको रन करो, उसको ड्राई रन करो, उसको टेस्ट करो, जिससे कि आपको पता लगेगा कि जो भी आपका सॉल्यूशन है वो सही है भी या नहीं। एंड अपने सॉल्यूशन को उस सैंपल प्रॉब्लम के साथ टेस्ट करने के बाद अगर आपको वही रिजल्ट मिलता है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आपका सॉल्यूशन सही है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सो गाइस, दीज वर द सिक्स बेसिक्स एंड सिंपल स्टेप्स दैट यू कैन यूज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स दैट इज रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट्स। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।